नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आंदोलन जारी है। इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला हुआ है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 8 दिनों से डटे हुए हैं। सिंधु और टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने डेरा जमा लिया है। पिछले 2-3 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों। इधर कृषि कानून के विरोध में हरियाणा के किसानों ने भी दिल्ली कूच करने की रणनीति बनाई है और इसे लेकर बुधवार को पलवल के किसान संगठनों की बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि सभी किसान संगठन किसान संघर्ष समिति के बैनर तले दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अगर दिल्ली में प्रवेश करने से उन्हें रोका गया तो वो बदरपुर बॉर्डर जाम कर देंगे और इसे देखते हुए बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पंचायत में फरीदाबाद जिले के गांव के किसान नेताओं ने भी हिस्सा लिया और दिल्ली कूच का समर्थन किया। किसानों को वकीलों और आढ़तियों ने भी अपना पूरा समर्थन दिया है। और अब किसानों के आंदोलन का 8वां दिन है। किसान नेताओं की जो बात है वो विज्ञान भवन में चल रही है और विज्ञान भवन से ही लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ चुके हैं। वरुण, विज्ञान भवन से क्या कुछ ताजा अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है? लगातार जो बैठक है वो चल रही है किसान नेताओं की सरकार के साथ। देखिए, काफी देर हो गई है, बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा अपडेट बाहर नहीं आए हैं। एक जानकारी हमें मिली है कि वो जो 10 पेज की डिटेल बनाकर किसान अंदर ले गए थे उनके ऊपर चर्चा चल रही है, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि इस पूरे बिल में कौन कौन से बिंदु पर आपको आपत्ति है, तो 10 पेज का उन्होंने एक पूरा डिटेल्ड किसान जत्थेबंदियों ने वो बना के डिटेल दी थी कि हमें इन इन पॉइंट्स पे आपत्ति है, इस क्लॉज पर आपत्ति है। लेकिन ये खबर आ रही है कि अंदर उसी पर अभी चर्चा चल रही है। बहुत देर हो गई है पहले राउंड में, अभी तक कोई अपडेट बाहर फिलहाल इसके अलावा नहीं आया है। खबरें आ रही है कि क्या एमएसपी पर सरकार कोई फैसला कर सकती है, अगर फैसला करती है तो क्या उस पर किसान मान जाएंगे, क्योंकि किसान जत्थेबंदियां कह रही है कि आप बिल वापस लीजिए। एक खबर है जो अपुष्ट सूत्रों से है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन एक अपुष्ट सूत्रों से खबर है कि ये माना जा रहा है कि अगर थोड़े से भी सकारात्मक दिशा में बातें आगे बढ़ती है तो हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह इधर आए। इसकी अभी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन इस तरह की अपुष्ट ये एक खबर इस वक्त यहाँ पर चर्चा में है कि अगर थोड़ी सी भी सकारात्मक दिशा में बातचीत आगे बढ़ती है तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये स्थिति है अंदर। अभी हम आपको एक जानकारी और दें कि 40 जत्थेबंदियां आज हैं, पिछली बार 35 थी, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया था, माफी दी, किसानों ने साफ कर दिया था कि अलग अलग बातचीत नहीं होगी, बातचीत जो है वो एक साथ होगी। पिछली बार 2 बैठकें हुई थी तो इस पर किसान संगठनों ने नाराजगी जाहिर की थी। अब सभी 40 संगठनों के साथ एक साथ बैठक चल रही है। जी बिल्कुल वरुण, हमने देखा इससे पहले आपने जब विज्ञान भवन में किसान नेता एंट्री कर रहे थे उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि वो कृषि कानून पर टस से मस नहीं होंगे, उसे वापस लिया जाए। अब ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, एमएसपी पर अगर कोई सहमति बनती है तो उसे देखना होगा किसान उस पर क्या कहते हैं। आज किसान नेताओं से हम सुबह बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि वो बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को बिल वापस लेने ही चाहिए। सरकार चाह रही है कि अमेंडमेंट की बात करके सरकार ने स्टेप आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने ये कह दिया है कि आपको जहाँ कमी लगती है वो बताइए, उसे हम दूर करेंगे, लेकिन अगर कुछ संगठन अमेंडमेंट पर राजी हो जाते हैं तो शायद ये थोड़ी सी बर्फ पिघले, लेकिन अगर पूरी तरह से बिल वापस लेने को कहेंगे तब दिक्कत हो सकती है। एमएसपी को लेकर बहुत सवाल थे, अगर सरकार एमएसपी गारंटी दे दे लिखित में तो शायद ये बर्फ पिघल जाए, लेकिन पूरी तरह से बिल वापसी की ही बात हो रही है तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर है। हमारे साथ किसान आगू के नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। सर, अब फिर से बैठक हो रही है, आज बैठक हो रही है, कुछ अंदर से जानकारी आई है? अंदर तो हजे जानकारी सानू कोई नहीं मिली, पर जो मोटे तौर पर व्याख्या के तौर पर गल विचारण के तौर पर कह दिए तो यह केंद्र सरकार जी मीटिंग चल रही है, इस तरह की मीटिंग एक तरीक न भी चली थी, इस मीटिंग के बहुता कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बहुतिया गलों का हल सानू दिखाई नहीं दिता, क्योंकि केंद्र सरकार का जोड़ा रवैया है गलबात का वो एक तरीक की मीटिंग वाला यो कि छोटी कमेटी बना दें कोई विच विचाले वाला रास्ता लभ लें। अज भी वह एमएसपी वाली गलू लिया के गोल मोल करके चर्चा करके दिन पूरा करना चाहते हैं, यानी कि जिन्ना चिर फैसला किया
भी जिन्ना चिर यह कानून रद्द नहीं होंगे बिजली बिल 2020 वापस नहीं होंगे पराली वाला जिहड़ा बनाया बिल है वापस नहीं होंगे तो उन्ना चिर असी एक भी इंच पिछे नहीं हटांगे उन्ना चिर कोई भी समझौता सानू मंजूर नहीं है। लिखित में अगर MSP पे सरकार आपको गारंटी दे दे अगर इससे कोई रास्ता बनेगा MSP से गारंटी देने वाला कोई भी हल नहीं बनता क्योंकि यह तिने कानून ने जिहड़े केंद्र सरकार ने बनाए ने एक कानूना नाल साडा जिहड़ा APMC एक्ट है जिवें पंजाब राज मंडी बोर्ड का ढांचा है यह कानून उन्होंने तबाह करनगे जे मंडी बोर्ड के ढांचे तबाह करनगे उन्होंने टैक्सा खत्म करनगे जिहदे नाल मंडी बोर्ड ने खत्म होना है तो भरावो यह MSP का मतलब की रह गया जे उत्थे मंडी ना रही उन्हां दे शैड ना रहे उन्होंने कर्मचारियों तनखाह ना मिली फिर MSP का की मतलब है MSP तो इन्होंने मक्की भी तय की हुई है अज के रेट 1850 रुपया मक्की लुट्टी जा रही है 1000 रुपये 900 रुपये बिच विचाले का रास्ता भी सानू मंजूर नहीं हा? नहीं मंजूर है। अच्छा फिर बैठक ऐसे मीटिंग चलती रहेगी या कुछ पॉइंट बार क्योंकि इस बार तो 40 के 40 संगठन अंदर है। देखो संगठन तो हर रोज बढ़ते जाते हैं देश बदरा अंदोलन बनता जा रहा है विदेश चो साडे बैठे भारतीय साडी सपोर्ट कर रहे हैं हर नागरिक मजदूर किसान मुलाजम व्यापारी इस अंदोलन के शामिल हो चुके हैं तो केंद्र सरकार आउंदे दिनों के अंदर झुकण लई मजबूर करांगे ये मीटिंगां भावें ये आलमटोल वाले रौंच करती है केंद्र सरकार भुलेखे दे विच है इहदा भुलेखा आउंदे दिनों च दूर कर देंगे वड्डे कट होण दे 10 पेज की एक वो डिटेल मांगी गई आप 10 पेज आपने दिए हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे दिक्कत है उस पर बातचीत से बात बनेगी। देखो साडी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन अगराहां वल्लों कोई भी पेज नहीं दिता गया क्योंकि असी तां क्लीयर कट केंद्र सरकार नूं कहा है भी असी तां इन्हां कानूनां दे उत्ते बहुत सारी चर्चा इदू पहलां बहुत मीटिंगां च कर चुके हां ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਤੋ ਜੇ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ आप सुन सकते हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं अपडेट आता है अंदर से वो भी हम आपको देंगे। खबर यही है कि जो 10 पेज का एक कनेक्शन बनाकर दिया गया था कौन कौन से पॉइंट्स पर असहमति है उस पर चर्चा चल रही है आज अंदर MSP को लेकर एक चर्चा हुई है एक व्यापक चर्चा हुई है तो क्या MSP से कोई रास्ता निकलेगा इसका इंतजार है। एक बात साफ है कि मीटिंग बहुत लंबी चल रही है बहुत गहन विचार विमर्श भीतर अभी हो रहा है। कुणाल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कृषि कानून से जुड़े हर एक क्लॉज पर विस्तार से सरकार किसानों के साथ बात कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात की जाए तो वो तमाम किसानों से बात कर रहे हैं पीयूष गोयल हैं वहां पर और बड़ी बात यह है कि कोशिश इस बात की जा रही है कि जो चौथे और आखिरी दौर की जो बातचीत है इसका कोई ठोस नतीजा निकले। सरकार पूरी पूरी इस कोशिश में है कि ये बैठक जो है बेनतीजा ना निकले और एक बीच का रास्ता निकाला जाए।